तो गैस मैं बनाने जा रही हूँ ठंडियों के लड्डू। जाड़े में जो मैं लड्डू बनाती हूँ तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। और ये देखिए, इसके लिए जो सामान है वो मैंने ये लिए हैं पिस्ते। ये जो कच्चे वाले पिस्ते होते हैं ये वो पिस्ते हैं, और ये है काजू, और ये लिए है मैंने खरबूजे के बीज, ठीक है। और ये मैंने लिया हुआ है गोंद, इसको मुझे अभी भूनना है। और ये चढ़े हुए हैं मेरे बादाम जिनको मैं भून रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा सब भून लूंगी। ये अब ये सेट होने लगे हैं, अभी के जो है हो गए हैं। गैस को करेंगे सिम और इनको निकाल लेंगे। इसमें तो बस यही होता है, नजर रखती दुर्घटना हो। गैस को कर देंगे बंद। वो संभाल के इनको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। काजू तो बहुत जल्दी रोस्ट करते हैं। और सब कुछ इस घी में आप सब कुछ पहले भून लीजिएगा, उसके बाद आप सबसे आखिरी में डालिएगा ये भून, ये भून। काजू जो है ये हो गए हैं, गैस कर देंगे और काजू को निकाल लेंगे। काजू उसी में डाल दिए, गैस बंद कर देंगे। पिस्ते हो गए हमारे, ज़्यादा बातें ना करते हुए, पता चला सामान जल गया, बातें करते रहे इस तरीके से। इसको ये खरबूजे के बीज हैं, इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर देती हूँ वरना टेस्ट नहीं आएगा इसका। तो ये मैंने कर लिया है, गाढ़ा मिक्स कर लिया है सबको। ये आप देख लें, इस तरीके से मैंने सब जो मटेरियल है, ये जितने मेवे हैं मैंने इसको ड्राई कर लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया है। अभी ये गर्म है और अभी ये ठंडे होंगे। जब ये ठंडे होंगे तब मैं इनको थोड़ा सा दरदरा, जो दरदरा पन लिए होते ना वैसे पीसूंगी, पाउडर नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो ये जो है ये ठंडा होगा थोड़ी देर, तब तक मैं अपना ये जो है इसको मैं भून लूंगी, है ना। इसको मैं तब तक रोस्ट कर लूंगी, पका लूंगी। ये तब तक ठंडा होगा, ठीक है ना। हाँ भाई, ठीक है ना। तो घी जो है ये सही है, इस घी को अच्छे से गर्म होना चाहिए इस गोंद के लिए। गोंद तभी अच्छा बनता है, पकता है जब घी अच्छा मिलता है और खूब गर्म होता है। थोड़ा सा जब सूख जाएगा, ओके। ये देखिए ऐसे ही होता है, बहुत अच्छे से भून जाता है। लेकिन एक बात याद रखनी होती है इसमें कि जो गैस है वो धीमी ना हो, क्योंकि फिर ये जो है ऐंठ जाते हैं और ये भूनते नहीं। इस तरह मैं इसको कूट लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से इसको देखिए कूट लिया है। ये देखिए ये पूरा मेवा जो है मैंने खुद इसको अच्छे से कूट लिया है, और बहुत ज़्यादा मुझे महीन नहीं करना था इसलिए मैंने इस तरीके से इसको कूटा है, ठीक है। तो ये जो है ये रेडी हो गया है, और अब मैं स्टार्ट करूंगी। अभी मैंने पंजीरी स्टार्ट नहीं करी थी, मैं इसमें लग गई थी। अब मैं पंजीरी बना के फिर लड्डू बना लूंगी।
तो गैस ये मैंने बना के तैयार कर दिए हैं लड्डू। और आप जानते हैं मैं अकेले ही वीडियो बनाती हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी लड्डू बनाने का, लेकिन मैंने आपके साथ तो सारी चीज़ें तो शेयर ही की थी, तो गैस उसके लिए सॉरी है। और ये देखिए लड्डू हमारे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो गए हैं। ये मैं जाड़े में खासकर इसलिए बनाती हूँ गैस, क्योंकि जाड़े में क्या होता है ना, कई बारी कुछ सुबह सुबह उठ के एक तो सबसे बड़ी बात है कुछ ऐसा हेल्दी आपको खाना ज़रूर चाहिए जिससे कि आपको पूरा दिन एनर्जी बनी रहे। तो ठंडियों के लिए ये लड्डू बहुत अच्छे होते हैं और ये पूरे मेवे के बने हुए हैं, साथ में गोंद भी मैंने डाला है जिससे कि आपकी जितनी भी पुरानी जोड़ों की दर्द होगी वो इससे छूमंतर हो जाती है। आपको सुबह सुबह उठ के सिर्फ 2 लड्डू खाने हैं और हल्के से गुनगुने पानी के साथ, उसके बाद देखिएगा आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा, आप ठंडियों में खूब चलें दौड़ें भागें। तो यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।